तो फ्रेंड्स अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग आपका इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है और समझ नहीं आता कि किस तरीके से आपका सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ऊपर वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बेसिक से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने सारा आपका कवर कर दिया, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन टोटल आपके तीन टाइप के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आज आपका तीनों आज आपका इसी वीडियो में आपका इंक्लूड कर लिया है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे दोबारा पूछा जाएगा तो आप कभी स्किप करोगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आज का यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 16,000 रुपये हो जाती है, वह 7 साल में यही राशि 18,522 रुपये हो जाएगी, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है, ठीक है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, सेम फॉर्मेट का होता है, केवल आपसे उसमें प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जाता है, ठीक है। और थर्ड टाइप का क्या होता है क्वेश्चन, वो भी सेम फॉर्मेट का रहेगा, बस आपका क्या बोल देगा, जैसे कि 4 साल की राशि अगर 16,000 रुपये हो जा रही है, वही सेम प्रिंसिपल की राशि अगर 7 साल में 18,522 रुपये हो जाएगी, तो आपसे पूछ ले जाएगा कि बताओ सेम प्रिंसिपल अमाउंट का 10 सालों में कितना हो जाएगी। ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो यही तीन टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको एकदम भी स्किप नहीं करना है। आज के वीडियो आप इसको देखो और समझने का कोशिश करो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो मैं बोलूंगा कि अगर एक बार में अगर किसी को भी समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ दोबारा से एक बार देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, और मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आता है। तो पहला आपका क्वेश्चन बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में सिंपली बोला है, मैं फिर से समझा देता हूँ, क्वेश्चन में कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, वो प्रिंसिपल अमाउंट 4 साल में आपका 16,000 रुपये हो जाता है, सेम प्रिंसिपल अमाउंट आपका 7 साल में 18,522 रुपये हो जा रहा है, तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो सिंपली अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको एक चीज आसानी से समझना है। देखो अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर ये 4 साल में आपका 16,000 हो जा रहा है, और वही प्रिंसिपल अमाउंट 7 साल में 18,522 रुपये हो जा रहा है, तो यहां पर आपको समझना क्या है। सबसे पहले देखो ये 4 साल और यहां 7 साल, तो कितने साल का डिफरेंस दिख रहा है, तो 3 साल का डिफरेंस दिख रहा है। तो यहां पर आपको यही चीज देखना है कि ये जो अमाउंट था, क्योंकि आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या, आपका इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको देखना है कि ये जो 4 साल था, 4 साल से जो 7 साल का जो अमाउंट है, यहां पर ये इंक्रीज कितना किया है, यानी कितने टाइम्स आपका इंक्रीज किया है, ये चीज आपको चेक करना है। और कितने सालों में आपका इंक्रीज किया, ये भी चीज आपको देखना होता है, क्योंकि आपसे रेट पूछा है। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा कि ये कितने टाइम्स इंक्रीज किया अपने अमाउंट से, तो ये कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो ये 18522 और यहां पर कितना था आपका, ये 16,000 था, क्योंकि ये आपका कितना टाइम्स इंक्रीज किया ये आपको पता चल जाएगा यहां से। अब ये देखो, अब आपको पता है चूंकि आपको ये कितने साल का अंतर दे रखा है, 3 साल का अंतर दे रखा है, क्योंकि 4 साल 7 साल, यानी आपको यहां पर क्या करना है, या 3 ईयर कर देना है। अब आपको देख लो, जब भी अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो पहले तो आप देख लेना कि ये कितना साल का डिफरेंस का आपको दे रखा है, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जो भी देगा आपको यहां पर मेंशन कर देना है। अगर 1 साल का रहेगा तो फिर आपको ये रूट देने का जरूरत नहीं है, 2 साल का तो आप जानते हो ये स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर ही होता है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको अगर आप सॉल्व करते तो ये क्या हो गया, 9261, नीचे को सॉल्व करोगे 2 टाइम्स तो ये आपका हो जाएगा 800। अब आप ध्यान से देखो, ये आपका आप देखते हो तो ये किसका है, 21 का क्यूब है और ये आपका 20 का क्यूब है, चूंकि यहाँ भी क्यूब है तो जब सॉल्व करोगे तो ये बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, 21 बाई 20। अब मैं इसको हटाता हूँ ये सब चीज़ को, तो क्या है आपका 21 बाई 20, यानी जो आपका अमाउंट था 4 साल में, मतलब जो 4 साल में जो अमाउंट था वो अमाउंट आपका 21 बाई 20 टाइम्स आपका इंक्रीज कर गया, यानी आपका बढ़ गया। तो अब आपको यही चीज़ आपको समझना था, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर रेशियो के टर्म्स में अगर आप देखते हो तो ये नीचे वाला मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, अमाउंट होता है। और चूंकि आप जानते हो अमाउंट आपका होता है क्या है, प्रिंसिपल यानी राशि प्लस ब्याज होता है, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है,
यानी अगर आप बोल सकते हो कि नहीं यहाँ पर अमाउंट अगर आपका 21 है तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1:1 मिल रहा है। कितने में से मिल रहा है, 20 में से मिल रहा है। तो अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकालना था, यानी 5%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इसी तरीका से आपको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब आपको याद रखना है, आपको जो भी दिया जाएगा आपको देखना है कि कितने टाइम्स वो आपका इंक्रीज कर रहा है। तो यहां तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, तो जो भी आपको जितने भी साल का दिया जाए तो इस जगह पे आप पुट कर देना। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 साल का रहा तो इसको आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, 1 साल का रहा तो आप तो समझ रहे हो 1 साल में तो इसका जरूरत ही नहीं होगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं सबको समझ आया होगा। चलिए, ये था आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, रेट अगर आपसे पूछे तो आपको इस तरीके से निकालना है। अब ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका सेम फॉर्मेट में, अब आप लोग इसको ट्राई करो। और देखो, ये जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, हो सकता है कि आपको इसी टाइप के सेम डाटा का ही क्वेश्चन आपको देखने मिल जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पॉपुलर है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन का डायरेक्ट आपका फॉर्मेट बनता है। बात समझ रहे हो? तो चलो अब इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर भी क्या बोला, कोई राशि CI के दर से 3 साल में 7500 रुपये हो जाती है और 5 साल में यही राशि 8727 रुपये हो गई जाएगी, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी क्या पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो आपको क्या करना है, वैसे ही करना है, देखना है कि कितने टाइम्स आपका इंक्रीज कर रहा है और कितने सालों में इंक्रीज कर रहा है, ये भी आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो 8427 और ये था आपका 7500, और देखो कितने साल का डिफरेंस आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, 3 साल 5 साल, 3 साल में हो रहा है या 5 साल में हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 साल का डिफरेंस हो रहा है। चूंकि आप जानते हो ये तो स्क्वायर रूट का मतलब ही क्या होता है, 2, समझ रहे हो। अब इसको सॉल्व करो, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 सेट काट लो, तो 3 2 6 8 3 24 और यहाँ से आपका 0 और 9 हो गया, और इसको काटोगे 3 से तो ये क्या हो जाएगा, 3 से काटोगे तो ये आपका 2500 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो ध्यान से, ये अगर आपको ऊपर वाला दिख रहा होगा तो ऊपर वाला किसका स्क्वायर है, ध्यान से देखो 53 का स्क्वायर है, नीचे वाला किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है। यानी इतना टाइम्स आपका ये इंक्रीज कर रहा है हर 2 सालों में, हर 2 साल में आपका कितना बढ़ रहा है, 53/50 टाइम्स आपका बढ़ रहा है। अब तो यहाँ से आप कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में घुस गया होगा कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यानी ये 53/50 टाइम्स आपका इंक्रीज कर रहा है हर 2 सालों में, ये भी चीज को ध्यान जरूर दीजिएगा। अब यहां पर आप देख सकते हो, ये अगर प्रिंसिपल हो गया तो ऊपर वाला क्या हो गया, अमाउंट। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना मिल रहा, 3 मिला, कितने में से मिला, 50 में से मिला, सॉल्व करो तो ये क्या हो गया, 3 2 6%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देख लो, याद कर लो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो किस तरीके से निकालना है, करना सब में आपको सेम ही चीज करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, जहां पर आपसे क्या पूछा है, अब देखो सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन है, केवल यहां पर आपसे पूछा है प्रिंसिपल बताओ, यानी अमाउंट आपसे पूछ लिया गया है। अब यहां पर क्या बोला, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 4800 रुपये हो जाती है, 8 साल में यही राशि 6000 रुपये हो जाएगी, तो राशि ज्ञात करें। ठीक है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, राशि ज्ञात करने बोल रहा है। अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं करना, वही करना सेम चीज, मगर उससे पहले हल्का से बेसिक देख लो, जिनको बेसिक अगर समझना है कि अगर मैं इसका बेसिक बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, तो बेसिक सेम मैं बताता हूँ। इसका बेसिक अगर मैं बात करूँ तो आप उस इससे पहले वाला भी क्वेश्चन को बेसिक से बना सकते थे, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, केवल करना नहीं है आपको बेसिक से। ठीक है, देखो आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो, कोई भी अमाउंट अगर आपका जितने भी साल में आपका बन रहा है तो ये आप जानते हो फॉर्मूला। ठीक है, अमाउंट निकालने का। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 4 साल में कितना बन जा रहा है अमाउंट, 4800 रुपये हो जा रहा है। तो पहला आप इस तरीके से बना लोगे, इसी चीज़ को मैंने पी को यहाँ लेके आ गया और ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। 4 साल में आपका अमाउंट कितना हो जा रहा था, 4800, तो ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन आपको क्या बोला था कि सेम प्रिंसिपल अमाउंट 8 साल में कितना हो जा रहा, 6000 रुपये हो जा रहा, तो ये भी आपका दूसरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब देखो इस वाली चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता कि नहीं लिख सकता, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, आपका 4 और 4 के पावर में मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि आपको तो पता है ना किसी भी नंबर के पावर में आपका कुछ भी पावर है तो वो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे इसका वैल्यू मुझे पता था, बात समझ रहे हो। अब ध्यान से देखो इसका वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 4800/P, तो यही चीज़ को मैंने यहाँ बैठा दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, बात समझ गए। तो ये है बेसिक, इससे आपको करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको रेट भी निकालना हो ना, जो पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें भी आपको कुछ इसी तरीके से सॉल्व करके रेट निकालना है। क्लियर, तो ये करने का कोई एकदम भी जरूरत नहीं है, आपको करना वैसे ही जो भी मैंने आपको बताया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, वही है सेम, यानी अब आपका प्रिंसिपल है,
प्रिंसिपल में आपका 4 साल में क्या हो रहा, 4800 रुपये हो जा रहा। ध्यान से समझना अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ। 4 साल में 4800 हो रहा और 8 साल में हो रहा है आपका 6000 रुपये। अब देखो, अब समझना, 4 साल में 4800, 8 साल में 6000। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो अब आपको करना क्या है, देखना है कि कितने टाइम्स आपका इंक्रीज हो रहा है, कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है ये देखना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, 6000 और ये 4800, अब इसको डिवाइड करके देखो कितने टाइम्स इंक्रीज करा, 12 से काटोगे 5 और नीचे आ गया 4, यानी आपका जो अमाउंट था 4 साल में वो आपका जब 8 साल में हुआ तो ये आपका 5x4 times बढ़ गया, यानी इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे हो। तो आप चेक कर सकते हो, यही 4800 रुपये अगर मैं 5x4 times निकाल दूँ, यानी पहले आपका 4 था अमाउंट, अब आपका हो गया 4 साल बाद मतलब 8 सालों में हो गया आपका 5, यानी आपका इतना ही इंक्रीज कर रहा है, इतने टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तभी तो ये आपका 6000 हुआ, समझ रहे हो। तो यानी अब आपको समझ आ गया होगा मैं अब क्या बोलना चाहता हूँ, यानी अगर आपका अमाउंट अगर हर 4 साल में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 5x4 times आपका इंक्रीज हो रहा है हर 4 साल में। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, हर 4 साल में आपका अमाउंट 5x4 times इंक्रीज कर रहा है। आपसे क्या पूछा था, प्रिंसिपल। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था, प्रिंसिपल में 4 साल में आपका 4800, 8 साल में 6000, तो आपसे क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा है। तो यानी आप पीछे से, अब जब आप प्रिंसिपल से जब आगे जा रहे हो तो आगे मतलब आगे से पीछे भी तो जा सकते हो ना, कैसे करोगे, तो यानी इसका उल्टा कर देंगे। यानी अब आप समझ सकते हो, मैं ये सबको हटा रहा हूँ, ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा आसानी से। यानी अगर मैं बात करूं 6000 रुपये 8 साल में हो गया था, अगर मैं इसका उल्टा करूं 4 साल पहले जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4x5 times। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 5x4 times बढ़ रहा था, और अगर मैं घटाने की बात करूंगा तो 4x5 times आपका डिक्रीज करेगा। तो आप इसको देखो ना, ये क्या आ गया, 4800 आया कि नहीं आया, जब आपका 4 साल में अगर 4800 है तो अब प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल भी क्या करेंगे, 4x5 times और उसको पीछे कर दो तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो तो 4x5 times से तो ये क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 9 5 45 हो गया, 3 6 0, 960 × 4 कितना हो जाएगा, 0 6 6 24 36 और 2 38, यानी 3840 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 2। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बस यही चीज़ आपको करना होता है। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी पूछा जाएगा ना, मुझे यकीन है आप कभी भी गलत नहीं करोगे, बस देखना आपके पास क्या चीज़ है और क्या चीज़ आपको निकालने बोला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ भी वेरिएशन कर सकता है, ठीक है। मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको समझ आएगा कि कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो। अब आपको समझ आ गया ना क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे रहेगा, आपको देख लेना होगा कि प्रिंसिपल क्या था या फिर नहीं था, आपका 4 साल में इंक्रीज हो क्या हुआ है, फिर 8 साल में इंक्रीज हुआ है, तो आपको पता चल गया कि 4 साल में कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो जाहिर सी बात आप पीछे भी जा सकते हो, मगर याद रखिएगा हर 4 4 साल का ही आपको पता है। अगर आपसे क्वेश्चन में 10 साल का पूछ लेगा तो फिर आपका फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वहां पर कुछ अलग करना होता है, तो वैसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको वैसे ही क्वेश्चन बनता है जो फॉर्मेट तैयार किए जाते हैं, समझ रहे हो। यानी आप 8 साल से 12 साल में जा सकते हो, 16 साल में जा सकते हो, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो क्वेश्चन कभी भी जैसा भी पूछा जाए आपको उतने ही टाइम सबको इंक्रीज करते जाना है, क्लियर, उम्मीद करता हूं सबको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इसको हटाता हूं। अब ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको ट्राई करो। अब यहां पर आपसे क्या पूछा है, ये जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो मैंने बोला था ना, अब ये आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं करना, सेम क्वेश्चन देखो हल्का सा अलग होगा। यहां पर क्या बोला, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 रुपये की राशि 4 साल में 6000 रुपये हो जाती है तो 12 साल में कितनी हो जाएगी, समझ रहे हो। यानी अब की बार आपको प्रिंसिपल भी दे रखा है 4800 और 4 साल में कितना हो रहा है अमाउंट, 6000 रुपये हो जा रहा, आपसे क्या पूछ रहा है 12 साल में बताओ, तो क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे सेम, आपको पता है, अब ये नंबर भी देख देख के आपको पता चल गया कि ये कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, बताओ ये पहले वाला ही क्वेश्चन टाइप का दिख रहा है कि नहीं, यानी ये आपका 5x4 times आपका इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी आपको 4 साल में आपका पैसा कितना हो जा रहा है, 6000 रुपये हो जा रहा है, 4 साल में 6000 रुपये हो जा रहा है, आपसे पूछा 12 साल में बताओ, तो मैंने बताया ना, यानी हर चार साल में अमाउंट आपका कितना बढ़ रहा है 5x4 times, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, यानी ये 8 साल में अब हम पहुंच चुके हैं, फिर आपका 8 से फिर 12 करेंगे, यानी फिर से आपका 5x4 times, समझ रहे हो। ये 4 साल का अमाउंट था आपके पास, ठीक है, 4 साल में आपका 5x4 times, और फिर ये आपका क्या होगा 5x4 times, अब इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा।
यही चीज़ आपको करना है और कुछ अलग नहीं करना है यहाँ पास आपको। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखो ये आपका प्रिंसिपल से आप जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंसिपल से आप जा रहे हो ना, ये एक सेकंड, ठीक है चलो, ये प्रिंसिपल से नहीं जा रहे हो, ये आपका अमाउंट से जा रहे हो ना, 4 साल में 6,000 हो रहा, तो फिर 4 से 8 और 8 से 12। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और ये 1500 रुपये हो जाएगा। फिर 4 से अगर काटना चाहो तो 7.5, 7.5 का आधा कितना हो जाएगा, 375 और मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, तो 2500 गुना कर दो 375 से, तो क्या हो जाएगा, 9375। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है कि क्लियर है। यही चीज़ आपको करना है। अगर आप प्रिंसिपल को पकड़ते, यानी अगर 4800 से करते, तो फिर क्या करना होता, 3 टाइम्स आपको, यानी अगर आप प्रिंसिपल से जाते तो पहले क्या करना होता, पहला 4 साल में आपका क्या होता, 5/4 टाइम्स बढ़ता, फिर आपका 8 साल में मतलब क्या होता, फिर से 5/4 टाइम्स बढ़ता। तो यही चीज़ को आपको सॉल्व करना होता, आंसर कोई भी आपका अलग नहीं आएगा, आंसर घुमा फिरा के वही आना है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ अब आपके दिमाग में पूरा अच्छे तरीके से फिट हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे सॉल्व करना होता है। अब यही चीज़ से आप आगे से पीछे जा सकते हो, पीछे से आगे आ सकते हो, बस देख लीजिएगा आपके पास क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट फॉर्मेट दिखाता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन में अगर वेरिएशन देखने की बात करें तो चलो फिलहाल ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको भी देख लो, वही सेम क्वेश्चन है, ट्राई कर लो इसको। सेम क्या बोला, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2400 रुपये की राशि 3 साल में 3000 रुपये हो जाती है तो 6 सालों में राशि कितनी हो जाएगी, तो 6 सालों में, तो प्रिंसिपल आपको फिर से दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपका काम क्या है, चेक करोगे कि ये कितना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपका फिर से यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 6×5 और 6×4, यानी 5/4 टाइम्स यहाँ भी बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर कन्फ्यूज मत खाना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 साल में आपका राशि कितना हो गया, ये 3000 रुपये हो जा रहा है, अब आपका 6 साल की बात की गई है, ठीक है। तो अब आपको पता है, यानी हर 3 साल में आपका 5/4 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी यहाँ भी आपका 6 साल का बात किया गया, तो यानी केवल आपका एक बार मल्टीप्लाई करो 5/4 टाइम्स, तो सॉल्व कर लो। अब इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1500 और आपका 1500 फिर 750 हो जाएगा, तो 0, 5, 5, 35 और ये 37 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3750, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब आप लोग इसको ट्राई करो। अब देखो क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे देखने मिलता है, अब आपके सामने है। देखो क्वेश्चन कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि आपका पास सॉल्यूशन उसका रहे ना, क्योंकि क्वेश्चन जब बनता है ना तो उसका सॉल्यूशन भी बनता है पहले, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है जो बना सके कोई, ऐसा नहीं कभी क्वेश्चन बनता है कि कोई बना ही ना पाए। तो क्वेश्चन को केवल आपको समझने का होता है कि क्या बोल रहा है और क्या करना है। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करो तो आप लोग खुद ही देख सकते हो, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे यकीन है कि आप भी एक क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो अब यहाँ पर क्या बोला, बोला अगर कोई राशि, और ये क्वेश्चन आपके वाईफाई स्टडी में पूछे गए थे, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, और अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर क्या बोला, अगर कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 6800 रुपये हो जाती है और 15 साल में 15300 रुपये हो जाता है, तो 10 वर्ष बाद राशि ज्ञात करो। अब आपका क्या बोला, अब ध्यान से देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, यानी कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, 5 साल में कितना हो रहा है, 6800, और फिर क्या बोला है, 15 साल में, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 15 साल में कितना हो गया, 15300 रुपये हो गया है। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि बताओ 10 साल बाद वो राशि कितना होगा, यानी ये बीच में अब आपका पूछा है 10 साल बाद बताओ। अब आप करो इसको, कैसे करोगे, करो बताओ इसको, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग इसको जल्दी से ट्राई करो, कुछ नहीं करना, अगर आप कॉन्सेप्ट समझो तो इसको यकीन है मुझे आप कर सकते हो। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आपका देखना है कि आपका कितना टाइम से ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये पहला 5 साल, यानी कोई प्रिंसिपल 5 साल में 6800 हो गया और 15 साल में आपका 15300 रुपये हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले देखूंगा कि कितने टाइम से इंक्रीज किया, और चूंकि ये 10 साल का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपके पास क्या है, 10 साल का डिफरेंस है, तो हर 10 साल में यानी अमाउंट आपको पता चलेगा कि ये कितना टाइम सिम का इंक्रीज कर रहा है, यही ना। तो चेक करते हैं, मैं ये सबको हटाता हूँ, ठीक है, ये समझ आ गया ना, चलो मैं इसको हटाता हूँ, मुझे पता करना है कि 10 साल में ये कितने टाइम्स आपका इंक्रीज कर रहा है। तो ये 153 और 00 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 6800, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 17 से काटते हैं तो 17 का 9 टाइम्स में कट जाएगा और 17 का ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या आया था, ये मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, यानी आपका जो अमाउंट था 5 साल में 6800 रुपये हुआ था और ये 15 साल में कितना हुआ था, 15300 हुआ था। तो मुझे बताओ
ये अमाउंट जो आपका जितने भी टाइम्स बढ़ रहा है 9/4 times, ये कितने साल में बढ़ रहा है? ये 10th year में बढ़ रहा है, यानी ये 10 साल में आपका 9/4 times बढ़ रहा है। मगर आपसे क्या पूछा था कि बताओ वो प्रिंसिपल अमाउंट, ये जानिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट से आपसे पूछा था कि 10 साल में वो राशि कितना होगा। तो मुझे बताओ, आपको पता है कि 10 साल में ये 9/4 times आपका इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से सुनो, ये 10 साल में 9/4 times इंक्रीज कर रहा है, हर 10 साल में 9/4 times इंक्रीज कर रहा है। तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि यानी आपका ये हर 5 साल में, यानी 5 × 2, यानी ये 10 साल में अगर आपका मैं 9/4 times इंक्रीज कर रहा है, तो मैं नहीं बोल सकता कि ये 5 साल में 3/2 आपका, मतलब 3/2 times आपका इंक्रीज कर रहा होगा। बोलो मैं बोल सकता कि नहीं बोल सकता हूँ? जाहिर से बात है मैं बोल सकता हूँ। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना था, मैं ये अब सब चीज़ को हटाता हूँ। यानी यहाँ पर आपको समझना यही था कि ये जो 9/4 times है, ये 10 साल में इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो ये 5 साल में आपका 3/2 times ही इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अगर आप चेक करना चाहो तो फिर 5/5 times में, मतलब 5 साल में कितना होगा, 3/2 times होगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9/4 times ही आएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पर समझना था। अब तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो बस अब आप तो आंसर बना लोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको यही चीज़ चाहिए था 5 साल का, क्योंकि आपके पास था 10 ईयर का, आपको चाहिए था 5 साल का, क्योंकि 5 साल में कितने कितने वो इंक्रीज कर रहा है, तभी तो आप घटा पाओगे ना, तभी तो आप घटा पाओगे। अब इसको सॉल्व करो, यानी आपको पता चल गया कि हर 5 साल में 3/2 times इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं पीछे जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, 2/3 times डिक्रीज करूँगा। तो बस यही चीज़ तो करना था मेरे दोस्त। अब देखो, यानी अब आप जहां से भी, आपसे क्या पूछा था, 10 साल में बताओ वो अमाउंट कितना होगा, ठीक है, 10 साल में पूछा था। ये हो गया 5, ये हो गया 15। अब आपकी मर्जी, आप कहां से जाओगे, आगे जाना है या फिर आपको पीछे जाना है, क्योंकि 15 साल का आपको दे रखा है 15,300 और ये 5 साल का दे रखा है 6,800। अब आप आगे से पीछे चले, मतलब आगे, मतलब ये यहां से आप 10 में चले जाओ या फिर 15 से 10 में आ जाओ, आपकी मर्जी, क्योंकि आपको पता है 3/2 times इंक्रीज कर रहा है, और जब घटाओगे तो 2/3 times आपका घटेगा। क्लियर है? तो अब क्या करोगे, यहाँ से अब आगे चल रहा हो, क्योंकि 5 साल में अगर 6,800 हो रहा है तो 10 ईयर में क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 साल का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 times। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये 3,400 में कट जाएगा, और 34 कितना होता है, 4×3=12, 3×9=10, 10,200 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर आप चाहते हैं, अगर 15 साल से अगर आपको घटना है तो क्या करते हो, उस समय 2/3 times डिक्रीज करोगे। यही था क्वेश्चन का फंडा, सॉल्व करो आंसर वही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। अगर आपको 10 times में अगर आपको चेक करना है कि ये चीज़ सही हो रहा है कि नहीं, तो ये आपका ऊपर है। ऐसे ऐसे जब चेक करोगे ना एंटी चेक, तो आपका दिमाग खुद ही खुलता जाएगा। आप चाहो तो 5 साल का है ना, आप प्रिंसिपल निकाल लो, यानी 6,800 के पीछे चले जाओ 2/3 times करके, और यहां से 10 times करके डायरेक्ट आप पहुंच जाओ। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है मेरे दोस्त, कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में घुस गया होगा। चलिए, बस यही चीज मुझे आपको बताना था, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, मेरा हो गया, और ये है मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए, आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो अब मुझे आप लोग फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मेरा आज का ये, मैं सेशन को यहाँ पर खत्म करता हूँ। और मुझे पता है ये क्वेश्चन आज, मतलब आज का जो भी मैंने आपको 3 क्वेश्चन 3 टाइप के बताया, वो आपको अच्छे से तरीके से समझ आया होगा। अब आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे यकीन है आप कभी भी इसको स्किप नहीं करोगे, यकीन मानिए आराम से कर लोगे। 10 से 15 सेकंड का मैथ होता है, कुछ भी नहीं होता है। और जो डाटा भी मैं आपको दिखाया हूँ ना, वो डाटा वही रिपीट होंगे, क्योंकि डाटा पहले तैयार रहते हैं उस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद है, पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और आज आपका मेरी क्रिसमस, तो सभी को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। और अपने परिवार के वैसे भी 2 लाख हम लोगों का फैमिली मेंबर हो चुके हैं, तो इसके लिए भी मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बस ऐसी इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, तब तक मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।